दोस्तों, मैं आज फिर हमेशा की तरह आपको हंसाने आ गया। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के कॉमेडी हॉट न्यूज एंकर्स। देखिए, इस एंकर ने जब कहा कि मुंबई का केला बड़ा होता है और हमारा केला छोटा होता है, यह सुनकर यह लेडी एंकर अपनी हंसी रोक नहीं पाई। देखिए यह वीडियो। तो बॉम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा। तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्यारी समझ गई। ठीक है, आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की सख्त ज़रूरत है। और सर, मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज़्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, सेल। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल के मालिक का जब मस्ती करने का मूड होता है तो वो किसी खूबसूरत एंकर को अपने कैबिन में बुलाकर क्या क्या करते हैं इसकी पोल खोल इस बहादुर पत्रकार ने की है। देखिए यह वीडियो। दाश्ता का मतलब रखेल होता है भाई, रखेल, जिसको आपने रखा होता है ट्यूनिंग सर्विस के लिए। खुल करके कह रहा हूं, नाम बदल दूंगा मैं अपना। ये तू मेरी घुजा में तेरी घुजाता हूं है, उसमें ब्लाइंड लगा करके और बिल्कुल कमरे को अंधा कर रखा था। और अगर उस डायरेक्टर न्यूज ने कभी किसी खातून रिपोर्टर या किसी खातून साहब को अंदर बुलाया तो इसका एक ही मतलब होता था कि इस वक्त साहब मूड में है, मूड बनाया जा रहा है साहब का। ये उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये उस एंकर के बारे में भी बात नहीं करेंगे जो अपने चैनल की हुदूद में रात गए अपना प्रोग्राम खत्म करके ये सिर्फ इंटर्न लोगों को नौकरियां दिया करता है और उन खवातीन को, उन मस्तूरात को अंधेरी पार्किंग में ले जाकर के वो उनके साथ क्या क्या शगफ फरमाता है, ये उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे ना। चलो दोस्तों, अभी आपको मिलवाता हूं आपके फेवरेट एंकर से। क्या हुआ, नहीं पहचाना इसे? ये यही एंकर है जो और करती है। और एक शो में इस एंकर से पूछा गया कि पाकिस्तान की आबादी औकात से ज्यादा बढ़ रही है, इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर इस एंकर ने जो जवाब दिया वो देखकर आपका हंस हंस के पेट दुखेगा। देखिए ये वीडियो। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान का एक प्राइम मसला है, हम जरूरत से ज्यादा होते चले जा रहे हैं, औकात से बाहर निकलते जा रहे हैं पाकिस्तान। हाँ। ये आबादी कैसे रुकेगी? कैसे रुकेगी? आप खड़ी हो जाएं, रुक जाओ, पहले यहाँ वाले आ जाएं। कैसे? मैं खड़ी हो जाती हूँ, काफी खड़े हो जाती हूँ। मसला क्या है? मैं नहीं कर रही, इनको मेरे हिलाने से आपके क्या हिलेंगे? हल्का सा करके दिखो, तुम क्या करो? मैं हल्का क्यों करूं? आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है? क्या होता है? हिलाना, हिलना। आपको क्या, आप कितना हिला कर रहे हैं? नूरानी जो प्रोटेक्शन इज वेरी जरूरी, एंड लिपस्टिक मेरे दांत पर लग है जो सबसे डरती है। हाल देखे, यहाँ प्रेस क्लब को बनाने के लिए नहीं मगर उठा, नहीं मगर उठा। चलो अब देखते हैं न्यूज देने के बाद बिहाइंड द कैमरा ये न्यूज एंकर्स क्या करते हैं। करते करते ना मैंने हाथ यूं कर दिए, वो ऐसा लगा जैसे मैं हाथ जोड़ के कहने लगी हूँ कर लीजिए हमारी वेबसाइट विजिट। यार हम इतने काले क्यों आ रहे हैं? उज्मा नुमान हेल्दी लग रही थी क्योंकि रोना आ रहा है। देख लो सुपरमैन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रही मुझे अपनी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि रोना आ रहा है। जमाने सिखाया है सबको, सिखाएंगे एवरीबॉडी हाथ दो। ओहो किधर से? अपना भी तो थोड़ा सा मैंने करना बीच में। एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। डिंग डोंग डबल। यार उससे कहो कि ब्राइटनेस तो ठीक करे ना, भूत नहीं बना देता। नबीला संधू मोटी लग रही थी।
इकरा हारिस, उसका तो मेरा मुकाबला नहीं है। खैर वो ज्यादा मोटी है मुझसे बहुत। उस सब के बाद मैंने सोचा कि कुछ मेरे से मोटी भी हैं और कुछ मेरे जितनी भी हैं, तो मुझे इतना ज्यादा डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। अम्मी डॉक्टर के पास गई है। ठीक है बात। हाँ जब मैं कब लाती हूँ आता है, कब लाती हूँ आता है। डॉक्टर साहब इसी में ही तनाव लग दो, तनाव तक। Cannabis may be legal in many states, but that doesn't mean there isn't still. दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको कौन सी क्लिप ज्यादा कॉमेडी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बना के रखे। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें कमेंट करके बताइए। आपके हर एक कमेंट का हम बारीकी से विचार करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को दिन में एक बार विजिट जरूर कीजिए। आपको ऐसे ही नए नए अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।